अध्यक्ष नियंत्रक अध्यक्ष नागू रागार धरना और अनुमंडित बसों के आदेश करने के बाबत में है, जबकि पहले से अनुमंडित बसें ज़्यादा है और भी 10 बसों का आदेश किए, जिससे यहाँ के कर्मचारियों को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा या रोडवेज की गाड़ियाँ उनको दूसरे डिपो में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ये सारा ही नागौर डिपो को नुकसान ही नुकसान है, जबकि अनुमंडित गाड़ी यहाँ बराबर है। इनको जब तक आदेश निरस्त ही करते हैं तब तक धरना जारी रहेगा। धन्यवाद। आज का जो ये धरना है, नागौर के समस्त यूनियनों ने साथ मिलके संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति बना रखी है उसकी तरह से दिया है। इसमें क्या है कि हमारे पहले 27 गाड़ी रोडवेज की अनुमति पहले लगा रखी है और 10 गाड़ी प्रशासन ने पाली से और स्थानांतरित कर दी तो 37 हो जाती है। कायदे से 30% के हिसाब से शेड्यूल 82 है, उसमें 25 गाड़ी होती है, दो पहले अतिरिक्त है और 10 और आने से 37 हो जाती है, जो नियम विरुद्ध है। और अगर इतनी गाड़ी हो जाएगी तो फिर यहाँ स्टाफ भी सरप्लस होगा, इसलिए सारे स्टाफ के अंदर रोष है और हमने ये अनिश्चितकाल के लिए धरना दिया है और अल्टीमेटम दे रखा है प्रशासन को, अगर धरने से भी ये इस आदेश को निरस्त नहीं करेंगे तो हम चक्का जाम भी कर सकते हैं।